हैं। देखिए, क्योंकि कानपुर से ये खबर मिल रही है, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सड़क पर हजारों महिलाएं बैठी हैं, चमनगंज से जाने वाला रास्ता बंद है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये विरोध बढ़ा है। तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में पोस्टर लगाए गए हैं। कानपुर के हालात पर पिछले 2 दिन पे अगर आपने नजर ना रखी हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 1 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, फिर एक गुट के आने के बाद ये एक ज्ञापन सौंपा जाता है कि हमने प्रदर्शन किया बंद, लेकिन जब दोबारा प्रदर्शन पर बैठते हैं तो उन्हें जबरन उठाया जाता है, फिर प्रशासन बैकफुट पर आता है, वो दोबारा बैठती महिलाएं, लेकिन अब जाके शक्ल कैसी हो गई है पूरे आंदोलन की, देखिए ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये कानपुर की तस्वीरें हैं जो लगातार 3-4 दिन के घटनाक्रम के बाद आज इतनी बिगड़ती चली गई। कल जो तस्वीरें थी वो इस विरोध में थी कि हमें विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, जबरन उठाया जा रहा है, और अब जब प्रशासन बैकफुट पे आया, कहना है कि अब आप सड़क के बजाय पार्क में प्रदर्शन कीजिए, तो पार्क में प्रदर्शन करने के बाद जो इजाजत मिली है उसके बाद क्या हालात है ये जरा देखिए। प्रभात से जानकारी लेते हैं। प्रभात, आज ये स्वरूप कैसे हो गया और क्या डिटेल मिल पा रही है ग्राउंड से आपको? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 1 माह से सीए के खिलाफ जो मोहम्मद अली पार्क है वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, जिसको 3 दिन पहले जो प्रशासन है उसने ज्ञापन लेकर खत्म करने की बात कही थी, लेकिन जब कल दोबारा से वहां लोग बैठे तो प्रशासन ने जब उनको हटाया, थोड़ी सख्ती दिखाई, तो उसके बाद वो लोग गुस्से में आ गए और जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर बैठ गई, जिसके बाद काफी देर तनावपूर्ण माहौल के बाद प्रशासन ने बैकफुट पर आती है कि आप लोग जो है वो पार्क में जाकर धरना प्रदर्शन जारी रखिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बावजूद उसके जब प्रशासन बैकफुट पर आ जाता है, उसके बाद भी जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। जो चमनगंज का जो क्षेत्र है मोहम्मद अली पार्क लेकर जो हलीम कॉलेज है वहां तक की जो रोड है, जगह जगह महिलाएं जो है वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, जो पुरुष हैं वो उनके किनारे किनारे खड़े हुए हैं। तो साफ है कि जो बात ये बताइए कि कल एसएसपी साहब की बाइट आई थी, वो उन्होंने ये कहा था कि 2 गुटों का है, हम शरारती तत्व को जानते हैं, हमने देखा था कि माहौल बिगड़ सकता है। जब इतनी सारी इनपुट उनके पास है तो उन स्रोतों को पकड़ के इस पूरे माहौल को शांत कराने में विफल कहां हो रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से एसएसपी जो है उनका कहना था कि जब एक गुट जो है उसके द्वारा ज्ञापन मिलने के बाद धरना जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन निजी स्वार्थ के चलते, जो लोकल की राजनीति है उसके चलते इन महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, इन महिलाओं को मोहरा बनाकर इनको सामने लाया जा रहा है। तो वही जब प्रभात, इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सड़कों को छोड़कर पार्क में या किसी ऐसे स्थान पर बैठ सकते हैं, तो ये लोग तो पहले पार्क में बैठे हुए थे, आज फिर आप सूचना दे रहे हैं कि ये लोग फिर से सड़क पर बैठ गए आके, तो अभी तात्कालिक कारण क्या है? दिल्ली के नतीजों से भी इसको क्या जोड़ा जा सकता है कि जिस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है उसके बाद उत्साह और बढ़ा हो? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कारण है वो भी सामने आता है, वहीं जो जिस तरह से कल का जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया था उससे भी जो प्रदर्शनकारी है उनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन जो है वो पहले तो प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए तो आप पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वहां के लोगों का हुजूम देखकर वो बैकफुट पर आता है, उनको प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। साथ ही जो एसएसपी है वो खुद बताते हैं कि जो प्रदर्शन की अनुमति है वो वापस से पार्क में बैठे जाकर, और यहाँ से पुलिस जो पूरी पुलिस फोर्स है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन जब वो पुलिस हट जाती है बावजूद उसके जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर ही मौजूद रहते हैं और लगातार सड़कों पर ही प्रदर्शन चल रहा है। तो साफ है कि यहाँ पर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रशासन है उसकी भी जो बैकफुट पड़ा है उसकी वजह से जो हौसले बुलंद हुए हैं उसके चलते जो प्रदर्शन है वो लगातार सड़कों पर है। हालांकि शांतिपूर्वक ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, पूरा जो चमनगंज का एरिया है, हलीम कॉलेज तक का पूरी रोड है जगह जगह पर। प्रभात, ये जो इलाका है ये काफी कंजेस्टेड इलाका है, काफी वहां पर पतली तंग गलियां हैं, और लेकिन कानपुर का ये जो इलाका है ये बहुत से मोहल्लों को जोड़ता है, पूरे इलाके को जोड़ता है। आज की जो ताजा स्थिति क्या है और उनकी आखिर मांग क्या है? अब जब वो पार्क से, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ, पार्क में जब जाके बैठ गए थे उसके बाद अब दोबारा अगर आए हैं तो इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक दल, जो बात आप एसएसपी की बात कर रहे थे वो है, या किस तरीके के तत्व हैं? क्या इन नतीजों के बाद ये मामला जैसे शाहीन बाग का यहाँ पर है, क्या उत्तर प्रदेश में तमाम जगह शाहीन बाग दिखाई पड़ने की आशंका तो नहीं बढ़ गई है? जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का शाहीन बाग कानपुर बनने को तैयार है तो एकदम साफ है, क्योंकि जिस तरह से पहले बाबूपुरवा में भी एक प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद 1 माह से लगातार मोहम्मद अली पार्क में जो प्रदर्शन चल रहा था,
उसको प्रशासन के द्वारा 8 तारीख के शाम को ज्ञापन लेने के बाद खत्म कर दिया गया था। लेकिन जब वहां पर दोबारा से लोग प्रदर्शन पर बैठते हैं तो पुलिस के द्वारा सख्ती करी जाती है, जिसके बाद जो प्रदर्शन है वो थोड़ा तनावपूर्ण होता है और जो लोग है वो आक्रोशित होकर सड़कों में आते हैं। बावजूद इसके जब पुलिस वहां से वापस चली जाती है, वो लोग पार्कों में जाने की बजाय अभी भी सड़कों बने हुए, जैसा कि आपने बताया कि जो वो गलियां हैं वे पूरे शहर का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। वहां पर इस तरह की जो माहौल है उससे काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। वहां का प्रशासन का क्या रवैया है? जी देखिए, प्रशासन जो है वो कल जब से बैकफुट पर गया उसके बाद वो लगातार बस यही कह रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, कुछ लोग के फेसबुक अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को वीडियो दिखाया जा रहा है, साइन बाग के वीडियो दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, तो वीडियो दिखाकर सोशल साइट्स पर नजर रखी जा रही है और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना प्रभात, क्योंकि सड़कों पर ये इतनी अहम गलियां हैं, इतनी अहम रोड है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? इस पे चर्चा करने के साथ साथ ये भी बताते चले स्नेहलता कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी फिर 56 के आंकड़े पे पहुंच गई है और जो भारतीय जनता पार्टी 20 पर थी वो 14 पर आ गई, चूंकि अंतर देखिए काफी अच्छा खासा था, 12% से ज्यादा वोटों का अंतर समझ में आ रहा था, तो वो अब सीटों में भी परिलक्षित होने लग गया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो हम चर्चा सवेरे से कर रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है, जिसको कहते हैं कि विधानसभा चुनाव हाफ स्टेट चुनाव है, लेकिन इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे नतीजों के, सियासी होंगे तो खैर, लोकतंत्र में थोड़ा संतुलन आवश्यक होता है, कई बार जरूरी होता है, जनता अपने हिसाब से फैसले लेती है, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं ये अब इसको हो सकता है कि लोकतंत्र में विरोध का एक तरीका माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक रूलिंग आ गई है और हम अभी प्रभास से चाहेंगे कि थोड़ी देर में हमें ताजा तस्वीरों से और ताजा अपडेट से भी अवगत कराए। लेकिन अब मैं सीधे रुख करूंगा, हमारे साथ लखनऊ से कुछ और नए अतिथि जुड़ गए हैं, हमारे साथ हीरो वाजपेयी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय गुप्ता हैं, नेता आम आदमी पार्टी से, और अनिल के अंकुर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है और हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं अमलेंदु जी और संदीप जी बैठे हुए हैं, हम सबसे चर्चा करेंगे। हीरो वाजपेयी, सीधा सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में आते हैं तो शाहीन बाग पर खूब बरसते हैं, खूब गरजते हैं, लेकिन लखनऊ से 80 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है कानपुर की, और वहां पर जिस तरीके की ये घटना फिर से हो रही है, जो पार्क में बैठे हुए थे वो सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार बताया जाए? प्रशासन कह रहा है कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह होने दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसको क्या माने हीरो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम गुमराह होने दे रहे हैं। देखिए, एक वर्ग विशेष को गुमराह करने और उसको वोट बैंक में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। आपने पहले भी देखा होगा लखनऊ में जब दंगा हुआ और आप सबकी ओबी बहनें जला दी गई टारगेट करके, तो एक वर्ग विशेष हीरो मेरी आपत्ति है, हीरो करके बाहर निकाल, हीरो मेरी हीरो 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 एक सेकंड हीरो एक मेरी आपत्ति है, आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग बार बार मीडिया को क्या बताने कोशिश करते हो कि आपकी ओवी वैन जला दी गई है तो आप उनके खिलाफ करिए? अरे भैया, वहां पर बसें जलाई गई, ऑटो जलाए गए, तमाम भवन जलाए गए, तमाम दंगे हुए, तो ओवी वैन भी उसी राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा था। आप बार बार मीडिया को बताना शुरू करते हो कि आपकी ओवी वैन जला, अरे ओवी वैन आपकी नहीं है भाई जी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताया कि कहां तक लोग संघर्ष में घृणा की तरफ आकर्षित थे और उस मामले को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए आप लोगों के मीडिया पे भी हमला किया गया। खाली एक छोटे वर्ग ने, छोटे क्षेत्र में जो हिंसक भीड़ निकली, उसमें जो चंद लोग थे उन्होंने उस मामले को पूरे विश्व पटल पर दिखाने के लिए ओबी बैन जलाई। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ओबी बैन हमारा पार्ट नहीं है, आप सब भी समाज से आते हैं और इसी समाज में रहते हैं, मीडिया कोई अलग से पैदाइश नहीं है, लेकिन सिर्फ उस मामले को तूल देने के लिए मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी ओबी बैन जलाई गई। और इस एक मामले को आप देखेंगे, मैं कहना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हम लोगों पे आरोप लगने लगता है कि हम एक वर्ग विशेष को टारगेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कौन लोग उसके पीछे, आज चमनगंज की बात हो रही है, आप भी कानपुर के रहने वाले हो, मैं भी कानपुर का रहने वाला हूं, आपको अच्छे से पता है कि चमनगंज इलाका कहां है और कौन लोग उसको टारगेट करना चाहते हैं और कहां ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है। ये चंद लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, चंद लोग चिन्हित करके जो हमारी सहयोगी स्नेहलता भी सवाल पूछ रही थी, यही सवाल पूछी थी, चंद लोग क्यों नहीं पकड़ लिए जाते, कितना समय लगेगा पकड़ने में? और अब तो भैया दिल्ली के चुनाव भी हो गए, अब तो नतीजे भी आ रहे हैं, कब पकड़ोगे, कब खत्म करोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अभी एक बात जो शुरुआत में की थी, आपने बीच में हमको रोक दिया जी। मैंने कहा था कि देखिए, एक वर्ग विशेष के वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए सारी पार्टियां लगी हैं।
ऐसा नहीं है, हम जिसको चिन्हित करते हैं कि ये दो लोग हैं, कल वो दूसरे दो नेता निकल आ रहे हैं। एसएसपी ने क्या कहा कि साहब हम जिसको पहले समझा बुझा के बैठाए आए थे लोकल पॉलिटिक्स को देखने के लिए, दोबारा से माहौल बिगाड़ दिया गया। एक बार धरना प्रदर्शन हुआ, आपने अपना दे दिया रिप्रेजेंटेशन, ले लिया सरकार ने, आपने अपना विरोध दर्शा दिया, ले लिया, बैठ गए, खत्म हो गया, तो दूसरे वर्ग को लगा कि अरे ये तो जो लोग ले गए थे ये वोट बैंक इनकी तरफ हो गया, तो दूसरी राजनीतिक पार्टी, दूसरे दल ये केवल एक वर्ग विशेष को वोट बैंक में कन्वर्ट करने, अपनी राजनीति चमकाने और देश विरोधी तत्वों को पीछे रहने का है। देखिए लखनऊ में शुरू हुआ, खत्म हुआ, और बाहर जाके वर्ग खत्म होगा, लेकिन अभी इसी पर कड़ाई की जाए तो ये होगा कि बहुत जो लोग आंदोलन करना चाहते हैं, जो विशेष जो अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं प्रजातंत्र में, उनको आप कड़ाई से अंदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र में विरोध करने का तरीका होना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं रोकी जानी चाहिए, राजनीति के लोगों को इसमें केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए, सामना करना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, मैं फिर से चलिए 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 आप दोनों का ठीक है जी जी।